गुजरात सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीच बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया को पूर्व नेता बताया है। मंत्री के बयान से क्या ऐसा माना जाए कि जयभान सिंह पवैया ने संन्यास ले लिया है या संन्यास लेने वाले हैं? आज सुबह 10 बजे ऊर्जा मंत्री ने वार्ड क्रमांक 7 के सती विहार और राधा विहार में 27,64,000 की लागत राशि से विद्युतीकरण का भूमि पूजन किया और वर्चुअल रूप से क्षेत्रीय जनता को संबोधित किया। इस मौके पर विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों सहित भाजपा के सर्व रघुराज सिंह भदौरिया, राघवेंद्र तोमर सहित कई लोग शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर घर उजाला हो, यह मंशा प्रदेश सरकार की है। उसी मंशा को पूरा करना मेरा कर्तव्य, जिसे मैं हर कीमत पर पूरा करूंगा। ये आपका 19,26,000 की लागत से पूरा सती विहार का विद्युतीकरण होगा, 19,36,000 और राधा विहार का 27,64,000 ये राधा विहार का, राधा विहार का अपना उधर पड़ेगा। आपका रोड का भूमि पूजन, ये 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से सीसी बन रही है पूरे मेन रोड पे, अलग गलियों का अलग है। और ये सेवक आपको भरोसा दे रहा है कि जो ताकत इस सेवक को आपने दी है, वो सेवक ईमानदारी से माननीय शिवराज जी की अगुवाई में, माननीय श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी की अगुवाई में, माननीय बीडी शर्मा जी की अगुवाई में, माननीय नरेंद्र सिंह जी की अगुवाई में, माननीय विवेक नारायण सोजलकर जी की अगुवाई में, हमारे यहाँ के नेता पूर्व आदरणीय जयभान सिंह जी और आप सबकी अगुवाई में, ये जनसेवक आपकी सेवा में पीछे नहीं रहेगा। आप देख रहे होंगे चार चरना कैसे, अगर गांधी रोड के पे भी लाइट चमकती थी ना, वैसी लाइट के लिए खम्भे लग रहे हैं, वैसे ही बच्चू भाई साहब खम्भे भी लगेंगे, पौधे भी लगेंगे।